सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव में ठन गई है। वजह है एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज। ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र रेहली में बनने वाला है। खबरें थी कि इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज को सरकार छिंदवाड़ा ले जाना चाहती है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भड़क गए। गोपाल भार्गव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस कॉलेज को रेहली से कहीं ले जाया गया तो सरकार नहीं चलने दी जाएगी। कांग्रेस के मित्रों से कि मैं तो अपने दम पर जो कुछ भी हो सकता था करता रहा, लेकिन उस उद्यान की महाविद्यालय में जो मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यान की महाविद्यालय था, एग्रीकल्चर कॉलेज तो बहुत है, लेकिन हॉर्टिकल्चर कॉलेज सिर्फ एक मंदसौर में था और दूसरा हमने रैली विधानसभा जितने में रैली में खुलवा। कभी आप गौर तो करें, उसको ले जा रहे थे छिंदवाड़ा। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कमलनाथ जी, मैंने कहा आप सब कुछ ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल कॉलेज सागर का 300 करोड़ रुपए का बना है, भोपाल का जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके साथ में अस्पताल जो बनी है वो 400 करोड़ रुपए की है, और भी जो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बन रहे हैं वो भी इतने 200-400 करोड़ रुपए के हैं। कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में 1600 करोड़ रुपए का अस्पताल बनवा रहे हैं, हमने खूब बनवा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कहीं बीच में बनवा दे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के चारों तरफ के लोगों के काम में आता। अब वो कहते हैं जो नागपुर जाते हैं वहीं रुक जाएंगे, ये नागपुर का को यहाँ हम लोग, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि वो सारे की सारी उन्होंने हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी अपना मंजूर कर लिया, बीच में सारा सेटअप वो छिंदवाड़ा लिए जा रहे थे। मेरे पास में सनद है, प्रतियाँ रखी, मेरे पत्र रखे हैं, और मैंने कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि आप मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा क्षेत्रों में से सब चीज़ें छुड़ा लेना, सब ले जाना छिंदवाड़ा, लेकिन अगर आपने रैली को टच किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार एक दिन भी नहीं चलने देगी। मैंने कहा मेरे खून पसीने की मेहनत और तमाम प्रकार की, भारत सरकार की भी उसमें मंजूरी लगती है, तमाम प्रकार की मेरी याचनाओं के बाद वो कॉलेज मंजूर हुआ था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि वो कॉलेज जो मंजूर हुआ हम उसके लिए चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस के मित्रों से भी सभी से, मैं अपने विरोधियों से जो मेरी आलोचना करते सभी से कहना चाहता हूँ। दरअसल पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा में खोला जाएगा। बताया जा रहा था कि रेहली में स्वीकृत हॉर्टिकल्चर कॉलेज को छिंदवाड़ा शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कमलनाथ की सरकार बीजेपी के साथ पक्षपाती रवैया अपना रही है। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।